इमाम अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वसीयत आपके ज़रबत लगने के बाद आपने अपने फर्जंद इमाम हसन और इमाम हुसैन को वसीयत फरमाया। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, उसीकुमा बित्तक्वल्लाह, मैं तुम दोनों को खुदा से डरते रहने की वसीयत करता हूँ और दुनिया की तरफ मायल न होना, ख्वाह वो तुम्हारी तरफ मायल हो, और दुनिया की जो चीज़ तुमसे रोक ली जाए उस पर अफसोस न करना, और जो भी कहना हक़ के लिए कहना, और जो कुछ करना सवाब के लिए करना, और ज़ालिम के दुश्मन और मज़लूम के मददगार रहना। मैं तुम दोनों को, अपनी दूसरी औलादों को, अपने कुंबे के अफराद को, और जिन लोगों तक मेरा ये नविश्ता पहुँचे उन सब को वसीयत करता हूँ कि अल्लाह से डरते रहना और अपने उमूर को मुनज़्ज़म रखना और बाहमी ताल्लुकात को सुलझाए रखना, क्योंकि मैंने तुम्हारे नाना रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम को फरमाते सुना है, आपस की कशीदगियों को मिटाना आम नमाज रोज़े से अफजल है। देखो, यतीमों के बारे में अल्लाह से डरते रहना, उन पर फाके की नौबत न आने देना, और तुम्हारे होते हुए वो बर्बाद न हो। देखो, अपने हमसायों के बारे में खुदा से डरते रहना, क्योंकि उनके बारे में तुम्हारे नबी ने बराबर हिदायत की है। आप उनके बारे में उस कदर ताकीद फरमाते थे कि हमें ये गुमान होने लगा था कि आप उन्हें भी वर्षा दिलाएंगे। और कुरान के बारे में अल्लाह से डरते रहना, कहीं ऐसा ना हो कि दूसरे उस पर अमल करने में तुम पर सबकत ले जाएं। नमाज के बारे में अल्लाह से डरते रहना, क्योंकि वो तुम्हारे दीन का सुतून है। और अपने रब के घर के बारे में खुदा से डरते रहना, जीते जी इसे खाली न छोड़ देना, क्योंकि अगर ये खाली छोड़ दिया गया तो फिर अजाब में मुब्तला हो जाओगे। अपने अम्वाल जान और ज़ुबान से राह खुदा में जिहाद के सिलसिले में खुदा से डरते रहना। तुम पर लाजिम है कि एक दूसरे से मेल मिलाप रखना और एक दूसरे की आनत करना। खबरदार, एक दूसरे से क़त्अ ताल्लुक़ से परहेज करना। देखो, अम्र बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर को तर्क न करना, वरना बद किरदार तुम पर मुसल्लत हो जाएंगे और फिर तुम दुआ मांगोगे तो वो कबूल न होगी। ऐ अब्दुल मुतल्लिब के बेटो, ऐसा न हो कि तुम अमीरुल मोमिनीन कत्ल हो गए, अमीरुल मोमिनीन कत्ल हो गए के नारे लगाते हुए मुसलमानों के खून से खेलने लगो। देखो, मेरे बदले में सिर्फ मेरा कातिल ही कत्ल किया जाए। देखो, अगर मैं इस ज़र्ब से मर जाऊं तो तुम उस एक ज़र्ब के बदले में उसे एक ही ज़र्ब लगाना और उस शख्स के हाथ पैर न काटना, क्योंकि मैंने रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम को फरमाते सुना है, खबरदार किसी के हाथ पैर न काटना, वो काटने वाला कुत्ता ही क्यों ना हो।